गुरु गोविंद को सुमिर के शिव सुत शीश नवाए, सब संतन के चरण में संगीता शीश झुकाए। हाँ तो भाई बहनों, यह दिल को छू जाने वाली नवीन कहानी है जो रक्षाबंधन पर राखी की गरिमा को प्रकट करती है। इसमें आप सुनेंगे कि राखी के बंधन में बंधकर डाकू तड़प सिंह जैसे कठोर हृदय वाले व्यक्ति ने किस तरह अपनी धर्म की बहन के साथ ही प्राण देकर राखी की गरिमा को निभाया। तो आइए सुनते हैं राठौर कैसेट के माध्यम से राखी और बलिदान, यानी डाकू तड़प सिंह का बलिदान। तो भक्तों, आइए कथा की ओर, कहानी की ओर। रक्षाबंधन का महत्व और राखी का बंधन क्या होता, दो धागे राखी के होते पर इनमें जादू क्या होता। हमारे देश भारत में रक्षाबंधन का पर्व बड़ा ही महत्वशाली है। भाइयों, इस रक्षा सूत्र अर्थात राखी के दो कच्चे धागों की क्या गरिमा होती है, आज मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से सुनाती हूँ। यह कहानी लखनऊ शहर के पास ऊंचाहार गांव की है, तो ध्यान दें। लखनऊ शहर के पास में एक गांव है ऊंचाहार, सुनो मेरे भैया जी। मातु पिता की लाडली वहां आती सुकुमार लली अति प्यारी जी। भाइयों, इसी ऊंचाहार गांव में एक आशा नाम की इकलौती बिटिया अपने माता पिता की गोदी का खिलौना थी। भोली सूरत की लली थी देवी की उन्हार, लली अति प्यारी जी। आशा आशा सब कहीं आशा की आस निराश लगी चिंता भरी। कितना प्यारा था नाम आशा का, लेकिन भाइयों आशा को एक बड़ी निराशा थी। क्या भैया ना प्रभु ने दियो कोई आशा, बड़ी उदास लगी चिंता भरी।
बाकी से आशा के कोई भाई नहीं था। वह बड़ी उदास रहा करती थी। इधर उसी क्षेत्र का एक डकैत तड़प सिंह था, जो बड़ा कुख्यात था, जिसका नाम सुनकर लोग थर थर कांपते थे। कैसा डाकू था वह तड़प सिंह, सुनो। बेसी सपेरा धारी, गले में डारी नाग दिखलावे, दिन भर गलियन में घूम रे धनवान को पतो लगावे। डाकू तड़प सिंह दिन में सपेरा का भेष बनाकर गांव गली में सर्पों का खेल दिखाया करता था और बड़ी सुंदर तान में बीन बजाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और धनवान व्यक्ति का पता लगाकर रात में डकैती डालता था। ध्यान रहे भक्तों, आगे हुआ क्या। डाकू संग मिलाई रात में आई, महल चढ़ जावे महल चढ़ जावे, निर्भय हुई डाको डाल रे धनमान लूट ले जावे, निर्भय हुई डाको डाल रे धनमान लूट ले जावे। तो हुआ क्या कि डाकू तड़प सिंह जब ऊंचे हार में आया और श्रोताओं, जिस दिन वो डाकू तड़प सिंह उस गांव में आया था, वो दिन था रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का भक्तों त्योहार था। उसी समय हुआ क्या, अरे जोगी को भेष बनाई, अरे ऊंचे हर में पहुंचो जाई, ऊंचे हर में पहुंचो जाई, अरे जनी महुअर मधुर बजाई, अरे सुन पर भक्तो। जब वो डाकू तड़प सिंह ऊंचे हार में गया और बीन बजाने लगा, बीन की तान को सुनकर उसकी सर्प भी नाचने लगे। किस तरह, अरे जने महुअर मधुर बजाई, और सुन सर्प रहे लहराई, रक्षाबंधन के दिन ऊंचे हार में जाकर जैसे ही उसने महुअर बजाई तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोग बड़े खुश थे, वे तालियां बजा रहे थे और महुअर की तान के साथ झूमते थे। लेकिन वही बेटी आशा भीड़ से अलग खड़ी आंसू बहा रही थी। उसे देखकर सपेरा बना डाकू तड़प सिंह उसके पास गया और पूछने लगा, बिटिया क्या बात है बिटिया। सुनो बेटी, मोई बिटिया भेद बताई दी जो भोली लाड़ोरी, मोई बिटिया भेद बताई दी जे भोली लाड़ोरी, क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्यों रो रही हो बिटिया, बताओ ना अपने दिल की बात। निकट दिल की बात बताई दीजे भोली लाड़ोरी, क्या तू सरप देखी घबराई, या तो याद किसी की आई,
सरपंच को देख के का डर लगो तुम्हें, या फिर बिटिया तुम्हें कहो कि याद आ गई, काय को रो रही हो? और क्या बोला, मोरी साफ साफ बतलाई दीजे भोली लाडोरी, मोई बिटिया भेद बताई दीजे भोली लाडोरी, आगे क्या बोला तड़प सिंह, नर नारी त्योहार मनावे, नर नारी त्योहार मनावे, सरपन देखी देखी हर सावे, मेरी शंका तनिक मिटा दीजिए भोली लाडोरी, मोई बिटिया भेद बता दीजिए भोली लाडोरी, लगी बात बता दीजे भोली लाडोरी, सपेरे की बात सुनकर आशा फूट फूट कर रोने लगी, रुधन सुनकर सपेरे का हृदय गदगद हो गया, उसने उसे अपनी गोदी में उठाकर सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से पूछने लगा, बिटिया बेटी बतलाओ हमको सही, क्या रंज अलम गम छाया है, क्या विपता तो पे आन पड़ी, या किसी ने तुझे सताया है, कोई परेशानी आ गई है या फिर तुम्हें कोई सता रहा है? आगे क्या बोला, बोली भैया, भैया मैं गम की मारी हूँ और बहुत बड़ी दुखियारी हूँ, भैया मैं गम की मारी हूँ और बहुत बड़ी दुखियारी हूँ, कारण पूछा, वह आंसू बहाकर बोली, भैया मैं राखी किसके बांधूं, मेरे कोई माँ जाया भाई नहीं है, भैया आज रक्षाबंधन का दिन है, सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं, मैं अभागी क्या करूं भैया, किसके राखी बांधूं, भगवान ने मुझे कोई भाई नहीं दिया,
यह सुनकर सपेरे ने जवाब दिया, बेटी मत घबरावे बहन, अब मेरा कहना मान, राखी बांध मेरे हाथ में अपनों भैया जान। सपेरे की बात सुनकर आशा खुश होकर घर गई और राखी का थाल सजाकर ले आई। उसने अपने धर्म भाई की कलाई में राखी बांधी और चंदन का टीका लगाकर आरती उतारी और भैया से क्या कहने लगी, भैया भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे अपनी बहना को ना भूलाना, ना भूला लेकिन भैया इस भाई बहन के पवित्र नाते को भूल मत जाना और जब जब रक्षाबंधन आए तो तुम राखी बंधवाने मेरे घर जरूर आना भैया। और क्या बोली, भैया मैं साची कहूँ मान ला मेरी बात, रक्षाबंधन मत भूलियो, सो दो जोरे हाथ। बहन को भाई ने जवाब दिया, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वह चला गया। आशा भी अपने घर चली गई। कुछ वर्ष बीत जाने पर क्या हुआ, बीत गए कछु साल, सुनाऊं हाल अरे मेरे भाई, अब सियानी आशा हो गई रे, होने को भई सगाई, अब सियानी आशा हो गई रे, होने को भई सगाई, बहुत दिन आ गए
हमारी श्यामा क्या कह रही है। चिंता जग के मन में छाई रही है, आशा बेटी घबराई रही है। अखियन से नीर बहाई रही है, भैया की आज सताई रही है। शादी का समय आया तो उस वक्त आशा को अपने धर्म भाई की याद आई और वो रो रो कर अपने भाई को कैसे याद कर रही है। आ लौट के आजा मेरे वीर, मुझे तेरी याद सताती है। आ लौट के आजा मेरे वीर, मुझे तेरी याद सताती। बंधन पर राखी बंधवाऊंगा, लेकिन अब तो मेरी शादी का समय भी हो चुका है। जो ना आवे बिरन हमारे कोई न घेर धरैया, तेरे बिना जग सुनो लागे आजा मेरे भैया। आशा अपने भाई की यादों में भूली रही, लेकिन भाई नहीं आया, वह बहुत दुखी थी। आगे क्या होता है। अरे पड़ी भमरिया आशा की डुलिया ससुराल में आई, पति पत्नी दोनों मगन रे, पति पत्नी दोनों मगन रे, रहे हैं मौत मनाई।
आशा कहे वीरन मेरो अब नहीं आवे गो, अब तो रोई रोई आशा कहे वीरन मेरो अब नहीं आवे गो। अब नहीं आवे गो वीरन मेरो अब नहीं आवे गो, अब तो रोई रे अब तो रोई रोई आशा कहे वीरन मेरो अब नहीं आवे गो। आशा को दुखी देखकर उसके पति ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बड़ी उदास हो, कोई बात हो गई है क्या? क्या कहने लगा आशा का पति, मोए सच बता प्यारी तू क्यों घबरा रही है, मोए सच बता प्यारी तू क्यों घबरा रही है, चिंता तेरे चेहरे पे अब कैसी छा रही है। क्या बोला आशा का पति, क्या ख्याल उठे मन में बतला दे ओ प्यारी, क्या ख्याल उठे मन में बतला दे ओ प्यारी, चिंता क्यों छाई है समझा दे ओ प्यारी। मुझे अपने दिल की बात बताओ ना, आज तो रक्षाबंधन का दिन है, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुम हमें दुखी मालूम पड़ती हो, ऐसी क्या बात हो गई है? यह सुनकर आशा अपने पति से बोली, रक्षाबंधन सुनो भैया की याद आती, बेचैन बड़ी हूँ मैं कछ पैसे नहीं जाती, आज रक्षाबंधन का दिन है और मेरा भैया नहीं आया राखी बंधवाने के लिए, मैं इसीलिए परेशान हूँ। आगे क्या बोली आशा, पीहर की याद माँ को रह रह के आ रही है, चिंता तेरे चेहरे पे अब कैसी छा रही है, चिंता तेरे चेहरे पे अब कैसी छा रही है। आगे बोली आशा, कह करके गयो हमसे त्योहार पे आऊंगो, कह करके गयो हमसे त्योहार पे आऊंगो, राखी के बंधन की मैं आने निभाऊंगो। प्यारी तुम यह क्या कह रही हो, अगर तुम्हारे भाई होता तो शादी में न मिलता? नहीं नहीं ऐसी ऐसी बात नहीं हो सकती, तुम्हारा भाई है ही नहीं। तो आशा बोली, भाई तो मेरा है लेकिन वह धर्म का भाई है, वह किसी परेशानी के कारण शादी में नहीं आ पाया, वह किसी न किसी दिन अवश्य आएगा। इधर उस डाकू तड़प सिंह ने क्या किया, अपने साथियों को साथ में लिया और डकैती डालने के लिए चल दिया। किस तरह से जा रहा है डाकू तड़प सिंह, चल दे डाकू डगरिया में, डगरिया में हल्ला मच गो नगरिया में,
तड़प सिंह अपने साथियों के साथ में डकैती डालने के लिए चला। सोच रहा है आज नगर तो बहुत अच्छा है और उसी नगर में डकैती डालेंगे। आगे हुआ क्या? डाकू ने पलकी न देरी लगाई, तड़प सिंह जब आगे को आयो, दिल में तनिक नहीं डर खायो। बोल दो धावा नगरिया में, नगरिया में हा हल्ला मचियो नगरिया में। भक्तो तड़प सिंह उसी नगर में आ रहा है जिस नगर में आशा की शादी हुई थी, और आशा की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, सेठ के यहाँ पर हुई थी। उसी घर में आज तड़प सिंह डकैती डालने के लिए जा रहा है। ध्यान रहे श्रोताओ, ये आशा वही लड़की है जिसने रक्षाबंधन के दिन उस तड़प सिंह के राखी बांधी थी। डाकू ने पलकी न देरी लगाई, घोड़ा उन्हें आगे को दही बढ़ाई, घोड़ा उन्हें आगे को दही बढ़ाई। तड़प सिंह जब आगे को आयो, दिल में तनिक नहीं डर खायो। बोल दो धावा नगरिया में, नगरिया में हल्ला मच गो। चल दे डाकू डगरिया में, डगरिया में हल्ला मच गो नगरिया में। आगे क्या हुआ? नगर निवासी सब घबराए, नगर निवासी सब घबराए, डाकू घुस आशा घर आए। तड़प सिंह जब करुणे लखाई, आशा के दिल में खुशियां छाई। भैया आए गो अटरिया में, अटरिया में हल्ला मच गो नगरिया में। हुआ क्या कि जब डाकू तड़प सिंह आशा के घर में पहुंचा, रास्ते से होकर आ रहा था भक्तो, तो जितने भी नगर निवासी थे अपने अपने घरों में छुप गए, भयभीत हो गए। इधर जब आशा ने अपने भैया को देखा तो भैया के हृदय से लग गई और कहने लगी, भैया नगर निवासी सब घबराए, नगर निवासी सब घबराए, डाकू घुस आशा घर आए। तड़प सिंह जब करोगे लखाई, आशा के दिल में खुशियां छाई। भैया आए गो अटरिया में, अटरिया में हल्ला मच गो नगरिया में। डाकू तड़प सिंह ने अपने साथियों को लेकर आशा के घर में हल्ला बोल दिया, तो जैसे ही आशा ने तड़प सिंह को देखा तो भैया भैया कहकर गले से लिपट गई। अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तड़प सिंह ने भी आशा को पहचान लिया। अब तो उसका सिर शर्म से झुक गया।
तड़त सिंह पानी पानी हो गया, लेकिन आशा अभी तक कुछ भी समझ ना पाई थी। भक्तों, उसने रहस्य नहीं समझ सका। और हुआ क्या? क्यों बाधा को गए भूल रे तुम मेरी सूरत भुलाई। भैया, इतने दिन हो गए और तुम अभी तक नहीं आए। तुम बाधा को भूल गए थे भैया। आज आशा की आंखों से आंसू निकलने लगे और आशा कहने लगी, का भूली बही बहन आपे भैया, का भूल बही बहन आपे भैया, धर लई है निठुराई। राखी बांधने के लिए थाल सजाकर तुम्हारी याद में बैठी थी। भैया, तुमने आशा की आशा पूरी कर दी। आज मेरे भैया, तुमने इस बहन का जीवन सफल कर दिया। जो तुम अपने सभी साथियों के साथ बहन के यहाँ आए हो, और वो भी भैया रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए। आज आशा क्या कहने लगी? अरे नहीं पल की देर लगाई, और ले थाल बिरन ढिंग आई। राखी को थाली में रखा, आरती सजाई और थाली लेकर भैया के पास आई। इधर हुआ क्या? अरे इकड़ा तू रहे चिल्लाई चिल्लाई चिल्लाई, साथियों से कहा, भाइयों, मेरे हाथ कोई माल खजाना नहीं लगा, भूल हो गई साथियों। यह तो मेरी बहन का घर है, चलो लौट चलो, यहाँ से लौट चलो भैया। इतना सुनकर डाकुओं ने अपने सरदार को जवाब दिया, गलत कहते हो तुम, आज तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, निश्चय ही तुम्हें कोई अमोल खजाना मिल गया है। तुम झूठ बोलते हो। और इतना कहकर उसके साथियों ने उसके ऊपर गोली छोड़ दी। गोली की आवाज सुनकर
बहन भागकर भाई के पास आई। इसी समय उसके एक गोली सीने में लग गई और हुआ क्या, गोली लगी धरन पे गिर गई बहना, हाय हाय चिल्लाई। और भैया भैया ओ मेरे भैया राखी जल्दी ले बंधाई। जैसे ही आशा के सीने पर गोली लगी जमीन पर गिर पड़ी। आशा कहने लगी, भैया भैया मेरी जुबान रुक रही है, मेरे सीने में गोली लग चुकी है भैया, मेरा आखिरी समय आ चुका है, राखी बंधवा लो भैया, राखी बंधवा लो। गोली लगी धरन पे गिर गई बहना, आई हाय चिल्लाई। भैया भैया ओ मेरे भैया राखी जल्दी ले बधाई। कहा विपत्तिया आई तुरानी भैया हमको देव बताई। इतनी सुन के तड़प सिंह के गुस्सा रही बदन में छाई। इधर जब आशा ने ये कहा, भैया भैया राखी बंधवा लो, मेरा अंत समय आ चुका है। जैसे ही तड़प सिंह ने ये देखा कि मेरी बहन की गोली लग चुकी है, उसी समय डाकू तड़प सिंह ने आभास लगाई, अहे मेरे साथियों मेरी बहन के गोली लग चुकी है, ये समझ लेना ये गोली मेरी बहन के नहीं बल्कि मेरे लगी है, क्योंकि मैं इसका धर्म का भाई हूँ। आगे क्या हुआ, विपत्तिया आए तुरानी भैया हमको देव बताई। इतनी सुन के तड़प सिंह के गुस्सा रही बदन में छाई। अरे तड़प सिंह तब धर ललकारो मानो अखियन जरे मसाली। सर 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 बोली ये छूटे छतिन को है बुरो हवाले। आज भक्तों तड़प सिंह ने ये निश्चय कर लिया कि मेरी बहन के तो प्राण जाएंगे ही, लेकिन मैं उन व्यक्तियों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बहन के सीने में गोली मारी है। आज क्या हुआ, लागे गोली जर गए होली टोली रेनु बैंड हो जाई। जिस समय तड़प सिंह गोलियां चला रहा था, वहां का दृश्य भक्तों इतना भयंकर हो चुका था, इतना भयंकर हो चुका था बताया नहीं जा सकता है। अरे लागे गोली जर जाए होली टोली रेन बेन हो जाए। और काऊ के गोली खुपड़ी लागे खुपड़ी आसमान में जाए। अरे एक के मारे दुई मर जा बीच सरो हवा खाए मर जाए। और लागी गोली तड़प सिंह के धरनी गिरो तमारो खाए। इधर
गाड़ी चलाते भक्तों, बहुत देर हो चुकी थी, अचानक एक गोली तड़प सिंह के हृदय में लगी। वो तड़प सिंह जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ? अरे जागत देखी है बहना ने लीली लार में जाए, और भैया 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 कह के जागो अंत समय गवाए। भाई बहनों, आशा के तो गोली पहले ही लग चुकी थी और वह अब मृत्यु की अंतिम घड़ियां गिन रही थी। इधर बहन की रक्षा करते हुए तड़प सिंह के भी गोली लग जाती है। वह धरती पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इतने में सभी डाकू भाग जाते हैं। अब तो उस आंगन में भाई बहन दोनों ही घायल पड़े हैं। घर परिवार के लोगों ने वास्तविकता को समझ लिया। जब आशा की झलक भाई के चेहरे पर पड़ी तो वो अंतिम समय में भाई से कहने लगी, भैया स्वर्ग बना था ये घर मेरा, स्वर्ग बना था ये घर मेरा, आज हुआ शमशान सा, भेद कोई ना जान सका भगवान का। स्वर्ग बना था ये घर मेरा, आज हुआ शमशान सा, भेद कोई ना जान सका भगवान। भैया मेरा घर हमेशा फूलों की तरह खिलता था, और आज यहाँ क्या हुआ? भैया यहाँ पर तो शमशान सा लग रहा है। क्या कह रही है बहन? स्वर्ग बना था ये घर मेरा, स्वर्ग बना था ये घर मेरा, आज हुआ शमशान सा, भेद कोई ना जान सका भगवान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। अंतिम समय है और तुम्हारा भी अंतिम समय है। भैया इस अंतिम समय में आज मुझे हृदय से लगा लो, क्योंकि तुम बहुत दिनों बाद आए हो। भैया बहुत दिनों बाद आए हो। और क्या बोली बहन? भैया मुझको कंठ लगा ले, मुझको कंठ लगा ले, एक बार राखी बंधवा ले, भैया राखी बंधवा लो, भैया राखी बंधवा लो। इतने दिनों तक नहीं आए, इसी का सिला ये मिलना है। भैया भैया मुझको कंठ लगा ले, एक बार राखी बंधवा ले, बाहों में आशा को सुला ले, गिरे काल के बादल काले,
कर्पूरी लगता जग सुनसान सा, स्वर्ग बना था ये घर मेरा, स्वर्ग बना था ये घर मेरा, आज हुआ शमशान सा। फिर कोई ना जान सका भगवान का, आशा कर पूरी लगता जग सुनसान सा, स्वर्ग बना था ये घर मेरा, स्वर्ग बना था ये घर मेरा, आज हुआ शमशान सा। तेरी कोई ना जान सका भगवान, मेरी कोई ना जान सका भगवान का। भैया रक्षाबंधन पर इस बहन की मिलने की इच्छा थी सो तुमने पूरी कर दी भैया, अब अंतिम इच्छा हमारी यही है भैया, अपनी कलाई पे राखी बनवा लो भैया, मैं संसार से जा रही हूँ भैया, मेरी जुबान भी बंद हो रही है, जल्दी से राखी बनवा लो भैया, राखी बनवा लो भैया, भैया भैया भैया, मेरी डूब रही नैया, अब राखी बंधवा ले, कुछ प्यार से बतिरा ले, करो मेरे आगे अपना हाथ कर दो भैया, जिससे मैं तुम्हारी राखी बांध सकूं, राखी बांध सकूं भैया, भैया 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 भैया, मेरी डूब रही थी, तब मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधी थी भैया, तुम मेरे धर्म के भाई बने थे, तुम मेरे धर्म के भाई बने थे भैया, और तुमने ये वादा किया था मुझसे कि मैं हर रक्षा बंधन पर आऊंगा, लेकिन भैया तुम नहीं आए, और आज भी भैया मैं तुम्हारे इंतजार में जागती रही, तेरी याद में ओ भैया,
बलिदान कर दिया। भाइयों, यहीं पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। इसके लेखक हैं हमारे पूजनीय पिताजी श्री खेतपाल सिंह यादव और संगीत से सजाया है रामवीर तूफानी जी ने। सहयोग कर रहे हैं राम सर राठौर जी, प्रेमचंद शास्त्री जी और लल्लन भाई। देखना, देखना, ढांसा ही ना लग पाओ, बिगड़ गया।